हाय गाइस, मैं एमडी मुजफ्फर हुसैन। हमारा यूट्यूब चैनल एससीआई एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। गाइस, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यानी कंप्यूटर मेमोरी के कौन कौन से यूनिट्स हैं, तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी के कौन कौन से यूनिट्स हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस, इनको समझने से पहले ये समझने की जरूरत है कि कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स किसे कहते हैं। तो गाइस, अगर हम आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें कि कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स क्या है, तो गाइस हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में हम कितना इंफॉर्मेशन, कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर मेमोरी में कितना डाटा स्टोर करने की क्षमता है। गाइस, हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रकार के की मेमोरी पाई जाती है, तो गाइस मेमोरी के बारे में एक अलग टॉपिक्स है। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी एक अलग टॉपिक्स है, उसके बारे में हम विस्तार से हमारे वीडियो में बता चुके हैं। कंप्यूटर की मेमोरी कई प्रकार की होती है, यानी नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो गाइस जितने भी प्रकार के कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ ना कुछ क्षमता होता है, स्टोर करने की योग्यता होती है, कैपेसिटी होती है। तो गाइस जो कैपेसिटी होती है उसी को हम मेमोरी यूनिट्स के नाम से जानते हैं। तो गाइस चलिए आज हम लोग उसको डिटेल्स के साथ समझते हैं कि आपके कंप्यूटर मेमोरी में कितने यूनिट्स है। गाइस, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स को समझने के लिए चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस सबसे पहला हमारा है बाइनरी डिजिट, यानी बाइनरी डिजिट गाइस क्या है, बाइनरी डिजिट इक्वल्स टू 1 बिट, यानी बाइनरी डिजिट एक कंप्यूटर कि मेमोरी का वह यूनिट है जो सबसे कंप्यूटर का छोटा होता है, यानी बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो गाइस इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा कंप्यूटर की मेमोरी का इकाई बाइनरी डिजिट यानी बिट है। तो गाइस बाइनरी डिजिट भी एक अलग टॉपिक है, बाइनरी डिजिट दो है, 0 और 9। तो गाइस बाइनरी डिजिट क्या है इसके भी बारे में अलग वीडियोस हैं। आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि कंप्यूटर इतना एडवांस है और ये हमारा जो जनरेशन जा रहा है, ये 10th जनरेशन का कंप्यूटर जा रहा है, 10th जनरेशन का कंप्यूटर आपके मार्केट में अवेलेबल है, और ये थिंकिंग कंप्यूटर पर वर्क करता है। तो गाइस जिस प्रकार हम सोच सकते हैं, कहीं अपने अकॉर्डिंग कहीं भी कुछ कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि कंप्यूटर में भी सोचने की क्षमता आ जाए। डेवलप करने के बाद कंप्यूटर इतने लैंग्वेजेस में कंप्यूटर में काम करने के बावजूद भी कंप्यूटर दुनिया की कोई भी लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो समझने में असमर्थ है। गाइस कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, तो गाइस कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज होती है उसी को हम बाइनरी कोड के नाम से जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर 2 डिजिट को समझता है, 0 और 9, 0 और 9 समझता है। तो गाइस हमको समझना है कि कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बाइनरी डिजिट है, यानी 0 या 9, 0 या 9 एक बाइनरी डिजिट है,
यानी कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटा इकाई है। तो आप कह सकते हैं 9 डिजिट इक्वल्स टू 1 बिट। तो गाइस जीरो, अगर ये जीरो 4 टाइम हम एक जगह लिखते हैं तो ये 4 बिट्स हो जाता है और 4 बिट्स इक्वल्स टू 1 निबल होता है। और फिर आगे हम समझते हैं गाइस कि 8 बिट्स यानी 2 निबल्स इक्वल्स टू 1 बाइट। तो गाइस आगे चलते हैं 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 KB यानी किलोबाइट। तो गाइस ये केबी है, किलोबाइट है। उसके बाद गाइस 1024 KB इक्वल्स टू 1 MB यानी 1 MB। गाइस 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB यानी 1 TB। 1024 TB इक्वल्स टू 1 PB यानी 1 PB। 1024 PB इक्वल्स टू 1 EB यानी 1 EB। 1024 EB इक्वल्स टू 1 ZB यानी 1 ZB। 1024 ZB इक्वल्स टू 1 YB यानी 1 EB। 1024 YB इक्वल्स टू 1 BB यानी 1 BW 1 BW। 1024 PB इक्वल्स टू 1 GB यानी 1 ZB। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी की कैपेसिटी कितनी बड़ी हो सकती है, आप उसमें कितना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो गाइस इसी चार्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कंप्यूटर मेमोरी यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम HDD कहते हैं, SD कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। गाइस इसकी कैपेसिटी होती है, गाइस इसकी कैपेसिटी 1 TB है। 1 TB यानी कितने GB? 1024 GB। अगर उसको हम राउंड फिगर में बोलेंगे तो 1000 GB बराबर 1 TB की ये कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में लगी होती है। गाइस आपको मैंने बताया कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो गाइस ये आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी है, इसकी भी कैपेसिटी होती है, ये रैम है इसको बोलते हैं, ये कंप्यूटर की मेमोरी है और इसकी कैपेसिटी होती है 4 GB। तो गाइस इस प्रकार ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें भी हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इसमें सेव कर सकते हैं। तो गाइस इसको हम CD बोलते हैं, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी कैपेसिटी 700 MB होती है। तो गाइस इसके अलावा सेम इसी प्रकार एक और स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका नाम होता है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। गाइस इसको हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोल सकते हैं। अगर सेम है, अगर इसकी कैपेसिटी 4.7 GB अगर इसकी कैपेसिटी है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये DVD है। अगर इसकी कैपेसिटी 700 MB है ओनली तो आपको समझना पड़ेगा ये CD है। CD की कैपेसिटी कम होती है बनिस्बत DVD की। तो गाइस ये हमारी स्टोरेज डिवाइस है, ये इसकी अपनी कैपेसिटी होती है, इससे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो कंप्यूटर 2 पार्ट से मिलकर के बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो गाइस ये एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे के बिना ये अधूरा है। तो गाइस अगर हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर का होना अनिवार्य है, अगर सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर का होना अनिवार्य है। तो गाइस जब हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो इसकी पार्टीशन उसी वक्त की जाती है। तो गाइस हम इसकी पार्टीशन
हम मेमोरी यूनिट्स का उपयोग करते हुए, इसकी मेजरमेंट का उपयोग करते हुए हम इसकी पार्टीशन कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि मेमोरी यूनिट्स के बारे में आपको जितने भी डाउट्स थे क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।